दोस्तों, अगर आपके पास जियो की सिम है और आप जानना चाहते हैं कि जियो की सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है या फिर नो सर्विस लिखा आ रहा है, जहां नेटवर्क आता है यहां पे बिल्कुल क्रॉस का चिन्ह आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैंने इसे प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया था, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम को हमने फिक्स किया, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से नेटवर्क आ रहा है और यहाँ पर LTE मोड हमारे में आने लगा है, पहले यहाँ पर इस कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तो जियो की में इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करेंगे, आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, पूरा देखने के बाद आप इजीली तरीके से कर लेंगे। तो चलिए मोबाइल की सेटिंग में आप सबसे पहले आएंगे। मोबाइल की सेटिंग में इस तरीके से आने के बाद सिंपल से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देख लेना है आपके फ़ोन में होगा एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग इस तरीके से मिलेगी आपको, यहाँ पर आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बैकअप एंड रीसेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आप नीचे की तरफ मिलेगा इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और इसे आप रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद यहाँ से आप बैक चले आइए, इस तरीके से हटा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से अब आपको फिर से अपनी मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना है। मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिम कार्ड एंड वॉल डाटा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो भी जियो की सिम हो आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए उस पर और यहाँ पे डाटा रोमिंग ऑन कर दीजिए, वोल्ट कॉल ऑन कर दीजिए, वाईफाई कॉलिंग यहाँ ऑफ कर सकते हैं, आप यूज नहीं करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको LTE मोड सेलेक्ट करना है, ओनली LTE मोड, ठीक है। ओनली LTE मोड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इस तरीके से रीसेट एक्सेस पे क्लिक करके इसे आप यहाँ से रीसेट कर दीजिए, रीस्टोरिंग कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो सेलेक्ट का, तो यहाँ जियो का नेटवर्क आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जियो का नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप बैक चले आइए। बैक आने के बाद यहाँ पे आप एक बार देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोप्लेन मोड, एरोप्लेन मोड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, फिर से उस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी 1% नहीं 110%, ठीक है। इसी तरीके से मैं भी सॉल्व करता हूँ। लास्ट में मैं क्या करता हूँ, अपने पावर वाले बटन को दबा देता हूँ। इस तरीके से आपको भी अपने पावर वाले बटन को दबाना है और इसे आप रीसेट कर दीजिए, ठीक है, रीस्टार्ट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 1% नहीं 110%, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक है। फिलहाल मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ। जय हिंद।